आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह अध्यक्षा का, सभी जोनल हेड्स कावा, कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, सभी रीजनल हेड्स कावा, कार्यक्रम से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराग शर्मा डीएम कार्डियोलॉजी तथा सभी सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का, मैं युवराज कुमार उप कमांडेंट सह ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा सीआरपीएफ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत माह अप्रैल 2022 को विषय उच्च रक्तचाप सभी बीमारियों की जड़ पर व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली ही आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से भी किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह से कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय पे अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। श्रीमती संगीता सिंह अध्यक्षा कावा। थैंक यू युवराज। नमस्कार, आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर अनुराग शर्मा, कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कावा परिवार के सभी सदस्यों, अधिकारीगण एवं सभी कार्मिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के आठवें टॉपिक उच्च रक्तचाप सभी बीमारियों की जड़ विषय पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन ग्रुप केंद्र पिंजौर के सहयोग से वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा कि आज के विषय से यह प्रतीत होता है कि हाई ब्लड प्रेशर ही सभी बीमारियों की जड़ है, तो हमें यह सोचना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे सामान्य बनाए रखा जाए। सीआरपीएफ के जवान ज्यादातर अपनी ड्यूटी के कारण अपने परिवारों से दूर रहते हैं, जिससे वह और उनके परिवार के सदस्य से हमेशा चिंतित रहते हैं और इसी कारण से हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आज इस वेबिनार को आयोजित करने का अहम कारण यह भी है कि ऐसे परिवारों और जवानों को उक्त रक्तचाप से बचने के लिए कुछ उपाय सुझाए जाए जिनको जीवन शैली यदि लाइफस्टाइल में अपनाने से सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में मदद मिल सके। हाइपरटेंशन आज के तनावग्रस्त जीवन शैली में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा और ये एक बीमारी है जो हर तीन में से एक को है। पहले जहां हाई बीपी की बीमारी बुजुर्गों में आमतौर पर देखी जाती थी, वही अब 20-20 साल के युवाओं को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी हाई बीपी की समस्या हो रही है। सीआरपीएफ की ड्यूटी की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि चाहे अनचाहे तनाव हो ही जाता है। हाई बीपी की दिक्कत मुख्य रूप से लाइफस्टाइल से भी जुड़ी है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी पर बुरा असर, आंखों के ब्लड वेसल्स पर बुरा असर, डिमेंशिया आदि। ऐसे में बीपी हाई हो जाए उसके बाद दवाइयां खानी पड़े, इससे बेहतर होगा कि हम कुछ प्रिकॉशन। आज के इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए ग्रुप केंद्र पिंजौर से वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग शर्मा और मुझे पूरी आशा है कि वह हम सभी को कुछ ऐसी जानकारी और सुझाव देंगे जिससे हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। वेलकम मिस्टर डॉक्टर अनुराग शर्मा। थैंक यू मैम। सो हाइपरटेंशन मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, इस विषय पे हमारे जितने भी रीजनल कावा पूरे देश में मौजूद है वहां पे इस महीने में अलग अलग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। मैं संक्षेप में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ रीजनल सेंटर जो पूरे देश के में फैले हुए हैं वहां पे अलग अलग समय पे इस पूरे माह में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
जैसे प्रयागराज, जैसे बेंगलुरु, ग्रुप सेंटर न्यू दिल्ली, ग्रुप सेंटर जालंधर, ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, ग्रुप सेंटर नीमच मध्य प्रदेश, ग्रुप सेंटर नागपुर, ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा, ग्रुप सेंटर संबलपुर, ग्रुप सेंटर मोकामा घाट, ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, ग्रुप सेंटर श्रीनगर, ग्रुप सेंटर सोनीपत, आरटीसी पेरिंगोम, थर्ड सिग्नल बटालियन कोलकाता, 83 बटालियन आरएएफ जयपुर, 104 बटालियन आरएएफ अलीगढ़, 100 बटालियन आरएएफ अहमदाबाद, 107 बटालियन आरएएफ भोपाल, 108 बटालियन आरएएफ मेरठ, 99 बटालियन आरएएफ सिकंदराबाद, 101 बटालियन आरएएफ अपामाऊ, 202 बटालियन कोबरा। थैंक यू। सो ये हमारे देश के अलग अलग जो भी रीजनल काबा हमारी फंक्शनल है वहां पे इस विषय पे जो आयुक्त कार्यशाला है उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। आज के विषय पे जानकारी देने के लिए कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर अनुराग शर्मा जो कि ग्रुप सेंटर पेंजोर में उपस्थित हैं तथा हम सभी के साथ वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं। निश्चित रूप से ये हम सभी की आशा है कि उनके विचार सुझाव एवं उनके अनुभव हम सभी को विशेष जानकारी प्राप्त होगी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुनीता थॉर्प, पत्नी श्री सुनील थॉर्प डीआईजी ग्रुप सेंटर पिंजौर से, कि वे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराग शर्मा का संक्षिप्त परिचय वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं और साथ ही आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू श्रीमती सुनीता थॉर्प प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। मैं सुनीता थॉर्प क्षेत्रीय काबा अध्यक्ष ग्रुप केंद्र पिंजौर, उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता सिंह काबा अध्यक्ष सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था की शासी निकाय के सदस्यगण, सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के सीईसी सदस्यगण, जोनल काबा के सदस्यगण, सीआरपीएफ विभिन्न क्षेत्रीय काबा अध्यक्षों का स्वागत एवं आभार प्रकट करती हूं। आज हम सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर रक्तचाप सभी रोगों की जननी के विषय पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हृदय रोग से पीड़ित लोगों को पूर्ण और उपयोगी जीवन में वापस लाने और हृदय रोग के जोखिम और रोकथाम के बारे में बताया जाएगा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 26 पंचकुला के डॉक्टर अनुराग शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट उपस्थित हैं। मैं समस्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार की ओर से उनका स्वागत एवं आभार प्रकट करती हूं। डॉक्टर अनुराग शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट की अनुसंधान रुचि युवाओं में कोरोनरी धमनी रोग, विकट हृदय देखभाल एवं दिल की धड़कन रुकना रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी वर्ष 2002 में पीजीआई चंडीगढ़ से की है। इन्हें यंग अचीवर 2014 कार्डियोलॉजी में उत्कृष्टता 2017, कार्डियोलॉजी में उपलब्धि 2018 और कार्डियोलॉजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर अनुराग शर्मा ओजस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। ओजस हॉस्पिटल पंचकुला में एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रदाता है जो सुपर स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी सेवाओं से लेकर नियोजित प्रक्रियाओं, तृतीयक देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच से लेकर सुपर स्पेशलाइज्ड ओपीडी परामर्श तक
व्यापक चिकित्सा देखभाल के लिए अल्ट्रा आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ये हॉस्पिटल करुणामय देखभाल और विश्वास के लिए मानक स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ स्थापित किया गया है, जहां रोगी और उनके परिजनों को हमेशा पहले रखा जाता है। अब मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा से अनुरोध करती हूं कि वे आए और उच्च रक्तचाप सभी रोगों की जर्नी विषय पर रोशनी डालें। डॉक्टर अनुराग शर्मा। धन्यवाद श्रीमती सुनीता थॉर्प जी फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं और रिस्पेक्टेड श्रीमती संगीता सिंह जी जो प्रेसिडेंट CWA हैं, और ऑल जो रिस्पेक्टेड सारे जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं CRPF के, सबको मेरा अभिनंदन है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों से मैं अपने विचार शेयर करूँगा। और इसके साथ ही मैं अपना आज का लेक्चर शुरू करता हूँ और आप सबका काफ़ी धन्यवाद। So, मैं अपना जो आज की जो ये जो टॉक है उसको ज्यादातर हिंदी में ही बोलूंगा, बीच बीच में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा। आई थिंक आप सबको फॉलो कर लेंगे आप सब लोग। सो मेरा लेक्चर शुरू होगा कि हमने हेल्थी कैसे रहना है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा। नेक्स्ट। सो हेल्थ क्या है बेसिकली, हम थोड़ा बैकग्राउंड पे चलेंगे, उसके बाद आफ्टर 5 slides आई विल स्टार्ट हाइपरटेंशन। बेसिकली हेल्थ क्या है, हेल्थ WHO ने कहा है, बहुत मुश्किल से हेल्थ को डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि हेल्थ ये है कि आपका फिजिकल मतलब आपका शरीर कैसा है, मेंटली आपका बैलेंस कैसा है, और आप सोशल वेलबींग आपका सोशल कोशेंट क्या है, उसका वेलबींग होना ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि कि किसी के अगर एक टांग नहीं है या उसके 6 उंगलियां हैं या वो उसको कोई घायल हो गया है या ऐसा कुछ भी है तो वो हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग है, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। कई लोगों के ब्लड के टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो पर उनको मेंटली वो थोड़े बीमार होते हैं या ज़्यादा सोचते हैं या उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो भी हेल्दी नहीं माना जाता। नेक्स्ट। हमें हेल्दी क्यों रहना है, बिकॉज जब हम इस धरती पे आते हैं तो हमारी बॉडी बेसिकली एक व्हीकल है इस दुनिया में, कुछ भी हमने करना है तो उस बॉडी को अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे, और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो पूरी बॉडी को ही डैमेज कर सकती है धीरे धीरे, जैसे कि संगीता सिंह जी ने भी बताया है कि ब्रेन से लेके हार्ट किडनी और सब जगह ही ब्लड प्रेशर जो है इफेक्ट करता है। और हेल्थ जो है वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट भी है, हेल्दी रहना हमारा एक ड्यूटी भी है, अपने आप को हेल्दी रखना, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम उस चीज़ को किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेल्थ में इन्वेस्ट करें, और हेल्थ में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आनी है, डाइटरी चेंजेस या जो भी और नॉलेज है उसको ठीक करने के लिए उसको हम पकड़ के रखें और उसके ऊपर एक्शन लें। नेक्स्ट। हेल्थ को काफ़ी चीज़ों से डिफाइन किया जा सकता है, उसका फिजिकल डिमेंशन है कि भी आपका बॉडी वेट ठीक है, आपकी आई साइट ठीक है, मेंटली कि आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, आप मेंटली कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, आपका स्ट्रेंथ क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, वो भी एक डिमेंशन ऑफ हेल्थ है। सोशल आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सारा हेल्थ में आता है। और रादर ये मैं सारा कुछ इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज हाइपरटेंशन का इस चीज़ों से बहुत लेना देना है। स्पिरिचुअल, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ कितनी है आपकी, उससे भी आपकी जो डिजीजेज हैं वो कम होती हैं आपको, और अगर हो भी जाएं तो आप उनको प्रॉपरली डील कर सकते हो। बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो बहुत सारी डिजीजेज को आपका थ्रेशोल्ड इतना बढ़ जाता है कि आप उसको परवाह भी नहीं करते थोड़ी मोटी प्रॉब्लम को, और उससे आप उसको फाइट कर सकते हो, रिकवर भी कर सकते हो। नेक्स्ट। मैं जब डॉक्टर बन गया था, बिल्कुल यंग डॉक्टर था, तो मेरे को सिर्फ 3 ही कारण पता थे बीमारियों के, एक जेनेटिक्स, एक लाइफस्टाइल और एक डाइट। फिर जैसे जैसे मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने और भी जाना के
कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें जो बीमारी हमें आती है, तो मैंने अपने हिसाब से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है कि हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या हैं। वन इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वन इज जेनेटिक्स। जो ऊपर के दो बॉक्सेस हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नीचे है लाइफस्टाइल एंड डाइट। इसी से हम अपनी बीमारियों को काफी टैकल कर सकते हैं और जो है इससे हम अपनी बीमारियों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ज्यादा मैं उसी पे फोकस करूंगा। नेक्स्ट, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत नया फील्ड है बहुत पुराना, लेकिन इसमें बहुत लोगों का रिसर्च आ रही है इसके ऊपर। आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले पेपर में भी आया था कि गोरखपुर में भी वो एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे काफी रिसर्च कर रहे हैं कि कोई हमें बीमारी, अच्छे वाले आदमी को अचानक बीमारी आती क्यों है। और उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो इस लेक्चर के स्कोप के बियॉन्ड है, बट वो मेंशन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले फील्ड में ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने वाली है इसके अंदर। नेक्स्ट, जेनेटिक्स का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री में मोटापा है, तो आपको भी ये सारे सिम्टम्स बाद में 25 साल के बाद आ सकते हैं जब आप पूरे एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। जैसे आपकी फैमिली में माता पिता को दोनों को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा चांस है कि 40 साल के अंदर, 40 साल के बाद आपको ये बीमारी भी आ सकती है। और कई बार ये बीमारी 10 साल पहले बच्चों में आ जाती है। जैसे अगर माता पिता में ये बीमारी 40 साल की उम्र में है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई है, तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर ये 35 साल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, जैसे हम देख रहे हैं आगे जमाना बढ़ रहा है, उसमें लाइफ का जो स्ट्रेस है, लाइफ का जो और भी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा जैसे कि तनाव है और चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो उससे भी हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, हम एक्सपोज हो जाते हैं जल्दी, और जो हमारे जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं जल्दी। जेनेटिक्स भी ऐसी चीज़ है कि आप अपना जो पेरेंटल जीन्स हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मॉडिफाइड जीन्स होते हैं, जैसे मॉडिफाइबल जीन्स होते हैं बॉडी में, जो लाइफस्टाइल से खराब भी हो सकते हैं, बैड लाइफस्टाइल से और डाइट से भी उनको हम खराब भी कर सकते हैं, और अगर उनको कंट्रोल करें तो कुछ जीन्स को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो जेनेटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर मेनी डिजीज। हम आते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन बेसिकली चीज क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर हम अपनी बाजू में यहाँ मेजर करते हैं और आर्म पे राइट और लेफ्ट में दोनों मेजर कर सकते हैं। और हमने ज्यादा जो इसका जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप राइट आर्म में ही मेजर करें, लेफ्ट आर्म में ना करें। अगर राइट आर्म में आपकी जो पल्स है नहीं मिल रही या आपको ऐसा लग रहा है कि राइट आर्म में कोई ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ एज, तो आप लेफ्ट में मेजर करिए, अदरवाइज आप राइट में मेजर करिए। और जब भी कोई पेशेंट को पहली बार देखो तो आप उनको दोनों बाजू में ही देखना चाहिए, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि ट्रू ब्लड प्रेशर कौन सा है, और जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा उसी को हम मानेंगे, और अगर दूसरी बाजू में कम होगा तो उसका डॉपलर करके देखेंगे कि इधर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, भी क्यों ऐसे हो रहा है। ज्यादातर ये चीज बहुत एल्डरली लोगों में होती है जो जिनकी एज ज्यादा होती है। सो ब्लड प्रेशर एक वो चीज है कि जो ब्लड वेसल, जो ब्लड हमारे चल रहा है एओर्टा में, उसके अंदर परसिस्टेंटली एलिवेट हो जाता है ब्लड प्रेशर, और इस ब्लड प्रेशर को लेके हमारी बॉडी में जो डैमेज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हार्ट को उतना ही प्रेशर लगाना पड़ता है एओर्टिक वैल्व को खोलने के लिए जितना प्रेशर आगे होगा। नेक्स्ट में आइए, मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। ये देखिए हार्ट है और हार्ट से वो एओर्टा जो है वो निकल रही है ऊपर, आपने देखा होगा बड़ी सी धमनी है जो रेड कलर में आ रही है, जिसके आगे ब्रांचेज हैं जिससे ब्रेन को भी खून जा रहा है, और नीचे वो जो दो ऐसे फ्लैट लाइन हैं वो किडनी को जा रही हैं, और उसके बाद दोनों नीचे लेग्स में चली गई। सो हार्ट को ये वाल्व ओपन करना पड़ेगा ब्लड को आगे धक्का मारने के लिए। अगर आपकी एओर्टा में प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा पड़ गया, तो इससे पहले हार्ट हाइपरट्रॉफी हो जाता है, हार्ट के मसल्स एनलार्ज हो जाते हैं जो पहली स्टेज है, और इसके बाद फिर हार्ट एनलार्ज होके हार्ट फेलियर में चला जाता है, जो कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अनट्रीटेड हाइपरटेंशन की। और क्योंकि आपने देखा है कि इसके नीचे बिल्कुल किडनी भी बिल्कुल आगे जाके मेन ऑर्गन किडनी है, और किडनी एक गुर्दा जिसको बोलते हैं, गुर्दा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सारे बॉडी के जो मल त्याग है उसको उसने फिल्टर करके प्रोसेस करना है कि कुछ चीजें रखनी है बॉडी में, कुछ चीजें बाहर निकाल देनी है। तो वहां जो जाल बिछा होता है वो बहुत छोटी छोटी धमनियों का होता है, कैपिलरीज होती हैं, बिल्कुल पतली माइक्रोन्स में होती हैं। सो उसके अंदर सबसे पहले जो जैसे कहते हैं वो जो किडनी है वो छननी है, तो अगर हमने छननी में बिल्कुल छोटे 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 कोशिकाएं होती हैं, तो सबसे पहले अनट्रीटेड हाइपरटेंशन से बहुत बार
यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो परवाह नहीं करते कि उनको ब्लड प्रेशर है, और उनका किडनी फेल से ही आते हैं, फिर उनकी किडनी ट्रांसप्लांट या उनको डायलिसिस करना पड़ता है सारी जिंदगी के लिए। तो आज की डेट में किडनी फेलियर का सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है अनट्रीटेड अनडायग्नोस्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और किडनी करके इनको काफी बीपी हाई हो जाता है। और फिर ये एक विशेष सर्कल है, बिकॉज किडनी ब्लड प्रेशर का कारक भी है, ब्लड प्रेशर को बीमारी को जन्म देने के लिए भी किडनी ही एक ऑर्गन है। तो जब ये ऐसा हो जाए कि किडनी ही उसका कारक हो और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो किडनी बहुत जल्दी फेल हो जाती है। तो ये भी, और किडनी ऐसे क्यों होती है, बिकॉज किडनी में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, या किडनी में स्टोन फंसे हों और उसका ठीक से इलाज ना हो तो किडनी श्रिंक हो गई, तो वहां से भी रेनिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है और उस करके भी किडनी धीरे 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 ब्लड प्रेशर की बीमारी को पूरा रूप दे देती है, जिससे कि आगे पूरी बॉडी में डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट, अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट को अनट्रीटेड हाइपरटेंशन है तो उससे क्या होगा, उससे हार्ट डिजीज हो सकती है, उससे हमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है, वो भी एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि इसको हमने बोला अभी कि मदर ऑफ ऑल डिजीज है। तो इवन जो हार्ट की धमनियों में जो ब्लॉकेज हो जाता है उसमें भी एक रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर भी है, उसके और भी रिस्क फैक्टर हैं लेकिन ब्लड प्रेशर भी है। दूसरा है हार्ट फेलियर हो जाना, जैसे कि पहले हार्ट हाइपरट्रॉफी होगा, उसके बाद हार्ट की मांसपेशियां अपना जवाब दे देंगी कि भाई और प्रेशर हम जनरेट नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे हार्ट आप एक्सरे में देखोगे एनलार्ज हो गया, लंग्स में ऐसे पानी आ गया, उसके करके भी पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, उसके हार्ट की पंपिंग जो इको टेस्ट में हम देखते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं वो उनकी कम हो जाती है। और एक जो सबसे जो डैमेजिंग है वो है पैरालिसिस, स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, वो भी अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, बहुत बीपी बढ़ गया, पेशेंट थोड़े ओल्ड हैं, उनको मान लो सिगरेट भी पी रहे हैं, उनको डायबिटीज भी है, तो ऐसी ऐसे भी धमनियां कमजोर हो जाती हैं और ब्रेन की नाड़ी फट भी सकती है, ब्रेन के अंदर एक मैसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कई बार ब्लीडिंग इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि ये पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक से 2 या 3 दिन में ही जान को खो देते हैं, और अगर छोटी हो तो फिर भी उसका कोई कंट्रोल करके उसको बचाया भी जा सकता है पेशेंट को। और एनोरिज्म भी हो जाता है, एनोरिज्म एओर्टा में भी हो सकता है। एनोरिज्म क्या होता है कि आर्टरी जो एओर्टा आपने देखी थी बड़ी सी ऐसे नीचे जा रही थी, वो भी फैल जाती है कई बार, क्योंकि उसमें इतना ब्लड प्रेशर होता है, वो फैलने से अगर वहां रप्चर हो जाए तो एनोरिज्म ऑफ एओर्टा भी लीक हो सकता है और उससे भी पेशेंट की जान जा सकती है। आमतौर पर एनोरिज्म ऑफ एओर्टा जो होता है वो बहुत ओल्ड पेशेंट में होता है, ये यंग पेशेंट में बहुत अनकॉमन देखा गया है। नेक्स्ट, किडनी फेलियर, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये भी एक कारण है ब्लड प्रेशर अगर ना ठीक हो रहा हो, अनट्रीटेड हो, हम ध्यान ना दें उसकी तरफ। नेक्स्ट, रेटिनोपैथी मतलब ब्लाइंडनेस, ब्लर्ड विजन आ जाती है, इसका मतलब है कि रेटिना में भी जो हमारी आर्टरीज होती हैं बहुत पतली होती हैं, क्योंकि रेटिना में हमारी पिक्चर बननी है जो हम देख रहे हैं, सो वहां पे इतना थिन ब्लड वेसल्स होते हैं ताकि हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए जो हमारी पिक्चर आंखों में बन रही है, तो रेटिना में भी हेमरेज हो जाते हैं, वहां भी ब्लीडिंग हो जाती है, उससे भी हम पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया, जब हम देखते हैं कि उनका बीपी 200/110 है या 240, बहुत कई बार हाई ब्लड प्रेशर होता है और उनको टेम्परेली दिखना बंद हो जाता है, तो फिर बीपी कंट्रोल करने के बाद वो पेशेंट थोड़े बेटर हो जाते हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर ब्लड प्रेशर को ढंग से ना मैनेज किया जाए। नेक्स्ट, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल जो लिमिट है अप टू 80 ईयर्स, 80 साल तक जो लिमिट है, और 18 साल से नीचे अलग लिमिट है, लेकिन 18 साल का एक बार से हम बड़े हो गए, प्रॉपर सब हाइट हो गई, तो 140 ऊपर वाला जिसको कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और डायस्टोलिक मतलब 90 मिलीमीटर, ये लोअर ब्लड प्रेशर है। सो 140 and 90, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 3 बार देखने से, मान लो एक बार किसी का देख लिया और वो 140-90 को क्रॉस किया, लेकिन अगली बार नॉर्मल है, उसके बाद भी नॉर्मल रहा, क्योंकि कई बार ऐसी स्ट्रेस आ जाता है या ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं जिससे बीपी हाई हो जाता है, मान लो किसी को एंगर आ गया तो बीपी बढ़ गया, वो उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। अगर रेस्ट में उसका ब्लड प्रेशर, जब पेशेंट रेस्ट कर रहा है और उसका 140/90 से क्रॉस कर रहा है और 3 बार क्रॉस कर गया, तो ये पेशेंट क्वालिफाई हो गया फॉर ए पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। उसके बाद इसकी आगे स्टेजेस होती हैं,
स्टेज वन हाइपरटेंशन, स्टेज टू हाइपरटेंशन, स्टेज थ्री हाइपरटेंशन। तो स्टेज वन जो होती है वो 150/99 तक होती है, उसके बाद 160 से लेके 100 तक होती, 110 तक होती, 109 तक बेसिकली, और उसके बाद 160 से लेके 110 से ऊपर स्टेज थ्री होती है। तो किसी का अगर स्टेज थ्री अगर दो बार रिकॉर्ड हो गया तो वो दो बार में के बाद भी क्वालिफाई हो जाता है कि इसको ब्लड प्रेशर है और इसको जल्दी इसका इलाज करना चाहिए। सो ये डॉक्टर के आप जो प्रॉपर आपके डॉक्टर एग्जामिन करेंगे और वो देखेंगे कि दोनों बाजू में ब्लड प्रेशर है। पहली बार जब देखना है तो सारे ब्लड प्रेशर सब जगह देखना चाहिए, दोनों बाजुओं में भी देखना चाहिए और इवन लेग में भी देखना चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां हैं जो पहले से पकड़ी जाती हैं, जैसे क्वार्ट्रेशन ऑफ एओर्टा है, उसमें आमतौर पर लेग में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाजू में थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर लेग में ब्लड प्रेशर कम हो और बाजू में ज़्यादा हो तो एक ट्रीटेबल डिजीज होती है क्वार्ट्रेशन ऑफ एओर्टा, वो जन्म से ही होती है और उसमें हम पेशेंट को बलूनिंग करके वो एओर्टा के अंदर जो उसका कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको खोल देते हैं तो पेशेंट काफ़ी ठीक हो जाते हैं। कई लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आधी हो जाती हैं, कई लोगों की बंद भी हो सकती हैं अगर बचपन में ही पता लग जाए, क्योंकि ये जन्म से ही बीमारी होती है। सो दिस इज हाउ ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उसको डिफाइन किया जाता है और उसके बाद उसका एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट, अब ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, क्यों ब्लड प्रेशर हो जाता है हमें? तो एक तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है 90% वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है जब हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और हमें उस ब्लड प्रेशर की बीमारी का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं मिला। वो कारण क्या होता है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में डिफाइन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है जब हमें पता लग गया कि ये बीमारी इस करके हो रही है, वो क्यों होती है, उसके कारण क्या क्या है। उसके कारण है अगर आपकी किडनी में रीनल आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, किडनी को जो सप्लाई दे रही आर्टरी अगर उसमें ब्लॉकेज आ गया तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। आप उसकी ब्लॉकेज को खोल दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है पेशेंट का। उसके बाद क्वार्ट्रेशन ऑफ एओर्टा जो मैंने आपको बताया, उसके बाद कई ट्यूमर होते हैं जो कि हमारे रेनिन को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कुछ कुशिंग सिंड्रोम होता है जैसे कि जिसमें स्टीरॉयड ज़्यादा बनने लग पड़े बॉडी में, ऐसा ट्यूमर भी होता है। कई ऐसे ट्यूमर होते हैं जो किडनी से स्क्रीट होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों में, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड प्रेशर में है किडनी का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन। सबसे पहले हमने ये दो जांचें करनी है, उसके बाद चेस्ट एक्सरे करना है, फिर हार्ट का इको टेस्ट करना है। ये बेसिक टेस्ट है जिससे हमें ज्ञान हो जाएगा कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ना सेकेंडरी एक ब्रेन ट्यूमर की भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर से इंट्राक्रेनियल ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ जाता है। तो अगर किसी को बहुत हेडेक हो रहा है और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है तो कई बार ऐसे में जल्दी ही उसका सीटी स्कैन या एमआरआई कर देना चाहिए रूल आउट करने के लिए, अगर बहुत ही बढ़ रहा है। और साथ में अगर हार्ट रेट भी कम है और उसको कभी कभी सुबह सुबह वॉमिटिंग भी आ जाती है तो ये सारा जो ट्रायड ऑफ सिम्टम है ये भी सजेस्ट करता है कि कोई ब्रेन का कारण भी हो सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और दूसरी एक और यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि जिन लेडीज को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है, प्रेगनेंसी में आमतौर पर पहली प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है, वो लोग भी जो लेडीज हैं वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में तो चेकअप हो गया, उसके बाद बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चा ठीक हो गया और मदर जो है वो अपने वापस काम में जुट गई, उसकी बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ऐसी जो लेडीज़ होती हैं वो बाद में अपने जो सिम्टम्स को इग्नोर करती हैं, वो कहती हैं वैसे ही हेडेक हो रहा है, वैसे ही हेडेक हो रहा है। तो अगर 100 लेडीज़ को लें और उनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो जाए तो उनमें से फॉलो अप अगर करेंगे तो 30-40% जो लेडीज़ हैं औरतों को ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको मीनोपॉज से पहले ही हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको कि कई बार इग्नोर होता है ये ग्रुप, और उनको ये ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम पता लगती है जब कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। क्योंकि आमतौर पे ये पूरी दुनिया में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है कि लेडीज़ का जो चेकअप है वो थोड़ा डिले हो जाता है बिकॉज उनको कोई सीरियसली भी लेता नहीं है, उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस पूरी सोसाइटी में पूरे वर्ल्ड में थोड़ी कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कई बार कई लेडीज़ जो ओरल पिल्स लेती हैं बच्चे को ना होने के लिए, और अगर उनको ये ज्ञान ना हो कि उनको ब्लड प्रेशर हुआ था तो उनको भी अपना ओरल पिल्स जो गोलियां होती हैं उसमें उनको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए अगर वो जन्म कंट्रोल के लिए ओरल पिल्स ले रही हैं। क्योंकि अगर उनको पता लग जाए तो वो ओरल पिल्स बंद करके कोई दूसरा जो इसका चीज़ें हैं कॉपर टी और भी चीज़ें हैं
उनका भी इस्तेमाल करके जो बच्चा ना होने के लिए जो एक ये क्रिया होती है उसमें हम दूसरी चीजों का ऑप्शन ले सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज कई बार हम ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भूल जाते हैं स्पेन पेशेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम अगर दुनिया में स्टडीज भी देखी जाए उनमें भी लेडीज की फीमेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होती है, 30% होती है, मर्दों की 70% होती है। सो ये फीमेल में ये सारे रिस्क फैक्टर मैंने इसलिए अभी इसी वक्त ही बताना चाहता था जब हमारी हम डायग्नोज कर रहे हैं कि क्यों कारण है, ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। तो अगर हमें कोई कारण नहीं मिलता तो फिर हमारा डायग्नोसिस होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर भी होते हैं। ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर्स क्या है? कई ऐसी हमारी समझ लो कि काम है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके ड्यूटी आवर्स लॉन्ग हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब उनकी 12 घंटे भी ड्यूटी लग सकती है, 24 भी लग सकती है, 36 भी लग सकती है। उसमें कई डॉक्टर्स भी आते हैं, जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोसर्जन या जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं जिनका कोई पता नहीं है कि कब उनको कॉल आ जाए, मेरे को अभी भी आ सकती है। सो उसी तरह से आप लोग हैं जैसे आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनका भी ड्यूटी आवर्स हैं बहुत लॉन्ग हैं, उनकी स्लीप कई बार पूरी नहीं होती है, या जो ड्राइवर्स हैं जो लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करते हैं 12-12 घंटे, यहाँ से असम जा रहे हैं, यहाँ से बॉम्बे से वो कलकत्ता जा रहे हैं, लंबी जर्नी है जिनको कि अपनी नींद को भी खलल में डाल के काम करना पड़ता है, या आईटी प्रोफेशनल्स हैं। ये सारे जो आपको मैं बताए हैं ये सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जब मैं पुलिस में भी कहीं कैंप लगाता हूँ, आईटी प्रोफेशनल में इंफोसिस में भी हमने कैंप लगाया, तो देखा भी यंग पेशेंट्स, यंग पीपल, कोई मोटे नहीं है, कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तो ये एक प्रोफेशनल रिस्क फैक्टर है। जैसे मैं अब डॉक्टर हूं, मैं अपनी डॉक्टरी नहीं छोड़ सकता, आप अपना पैरामिलिट्री काम नहीं छोड़ सकते, ये काम हमें समझ लो कि हमने चूज किया है या भगवान ने दिया है। तो इसके साथ हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि कैसे ऑक्यूपेशन को भी मेंटेन करके रखें और कैसे हम अपना बीपी भी ना बढ़ने दें। तो दिस इज द बेसिकली लेक्चर जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को हम जब ट्रीट करते हैं तो दो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट, क्योंकि जो मेरे ख्याल में मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे और उसमें डॉक्टर्स भी होंगे सीआरपीएफ के, कि जब हम किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें हार्ट रेट देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं, सिर्फ ब्लड प्रेशर देखते रहते हैं और हार्ट रेट नहीं देखते उस पेशेंट का, तो कई बार उसका बीपी कंट्रोल नहीं होता है। सारा कुछ कर लिया, दवाइयां भी दे दी, 4-4 गोलियां चल रही हैं, लेकिन हार्ट रेट उसका 110-120 ही मेंटेन हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं होगा जब तक हम हार्ट रेट नहीं कंट्रोल करेंगे। सो हार्ट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्डिक आउटपुट मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, बेसिकली तब जाके ब्लड प्रेशर बनता है। ब्लड प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट, अब ब्लड प्रेशर को हम रिकॉग्नाइज कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया है? सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको सिम्टम नहीं आते, इसीलिए ब्लड प्रेशर की बीमारी का दूसरा नाम साइलेंट किलर बोला गया है। ब्लड प्रेशर को ही साइलेंट किलर बोलते हैं, डायबिटीज को नहीं बोलते और किसी बीमारी को नहीं बोलते, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। हमारे जो कैरोटिड रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, जो कैरोटिड जो ब्रेन को नाड़ियाँ जा रही हैं वो ट्यून हो जाते हैं और वो पेशेंट को सिम्टम नहीं आने देते, लेकिन खुद वो सहन करते रहते हैं, सारा बॉडी सहन करती रहती है। पर कई पेशेंट जो होते हैं वो समझ लो कि लकी हैं या उनकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव है, उनको सिम्टम आते हैं। वो कौन से सिम्टम है? उनको सीवियर हेडेक होगा, मतलब उनको सिर दर्द होगा काफी ज्यादा और अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा जब वो बैठे हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग हेडेक जो होता है, सुबह वाला जो हेडेक है, खास करके सिर के पीछे वाला अगर हिस्सा आपका सुबह सुबह हेडेक हो रहा है, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक साइन है कि भाई आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, इसका मतलब आपका बीपी ज्यादा होगा। अगर आपको नौजिया होता रहता है, वॉमिटिंग कई बार आ जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए, ब्लर्ड विजन, आपको दिखने में परेशानी आ रही है, ब्लर्ड विजन हो रही है, दो दो दिख रहे हैं, या आपको अनएक्सप्लेन फटीग, ज्यादा थकावट हो रही है आजकल, तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर का एक साइन होता है। आपको कभी कभी चेस्ट पेन आती है, खास करके जब आप वॉकिंग कर रहे हो, जब आप सुबह जॉगिंग कर रहे हो आपको चेस्ट पेन हो रही है, तो इसका मतलब भी ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे बीपी बढ़ेगा। अगर आपका बीपी पहले ही ब्रेस लाइन में ज्यादा है तो एक्सरसाइज करने से वो 200 को क्रॉस कर जाएगा, आपको चेस्ट पेन होगी, हार्ट कहेगा कि भाई दर्द हो रही है मेरे को। दूसरा, पेल्पिटेशंस, क्योंकि हार्ट रेट का रोल है इसलिए आपको पेल्पिटेशन होगी, आपका हार्ट ऐसे ऐसे जोर जोर से चेस्ट में थंपिंग हो सकती है। दूसरा, लेग पेन, मतलब लोअर लेग में, काफ में अगर आपको पेन होने लग पड़ी
तो ये डायबिटीज का भी साइन होता है और ब्लड प्रेशर का भी साइन होता है। तो अगर इन सब में आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या जो डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, कई बार क्या होता है कि ये वाले सिम्टम पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं लेके, लेकिन डॉक्टर्स उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, वो कहते हैं ऐसे ही बोल रहा है, फटीग हो रही है, ये हो गया। बट हमारी ड्यूटी है कि हम उसका बीपी दोनों बाजुओं में चेक करें, और अगर उसका बीपी ज्यादा है उसको फिर ब्लड प्रेशर के मरीज की तरह उसको गाइडेंस देनी चाहिए, और उसका अगर पहले दवाइयों से काम शुरू से पहले उसको पहले बाकी चीजों में जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर आपका स्टेज वन हाइपरटेंशन है, 100 से नीचे वाला बीपी 99 है और ऊपर वाला 149 है, तो यहां तक हम 6 महीने तक बिना दवाइयों के भी उस पेशेंट को इलाज के योग्य है वो। अगर उसका 6 महीने हो गए और उसका बीपी स्टेज 1 से नीचे नहीं आ रहा है या स्टेज 2 पर चला गया, तो उसको इमीडिएटली दवाइयां ही देनी पड़ेगी, तब हमारे बाकी सारे जो टोटके हैं वो चलेंगे नहीं और पेशेंट को हम डैमेज कर देंगे। नेक्स्ट, बेसिक टेस्ट हम जब भी करते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, तो हम देखते हैं ग्लोबल रिस्क इवैल्यूएशन। ग्लोबल रिस्क इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अकेला ब्लड प्रेशर भी बीमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर साथ में हमने उसकी डायबिटीज को नहीं देखा, कोलेस्ट्रॉल को नहीं देखा, बाकी रिस्क फैक्टर्स को नहीं देखा, स्मोकिंग को नहीं छुड़वाया, ज्यादा अल्कोहल पी रहा है उसको नहीं कम किया, तो ये पेशेंट को डैमेज ज्यादा हो जाएगा। सो ग्लोबल रिस्क फैक्टर इवैल्यूएशन करना है, जो भी बाकी और रिस्क फैक्टर हैं, प्लस हमने प्राइमरी कॉज भी ढूंढना है, जैसे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो बेसिक टेस्ट है, वो जो भी आपके डॉक्टर्स होंगे उनको पता होगा कि बेसिक टेस्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट, सो मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। अब हमने इसको मैनेज कैसे करना है, हमें पता लग गया अभी हमें ब्लड प्रेशर हो गया है और 2-3 बार चेक किया तो तीनों बार में हाई आ चुका है, तो अब हम करें क्या। नॉन फार्माकोलॉजिकल के बारे में मैं यहां बताऊंगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवाइयों के हम क्या क्या चीजें करें कि हमारा ब्लड प्रेशर डेंजरस रेंज में ना जाए। उसके लिए मैं आपको लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट बताऊंगा एक, लेकिन आपको जो सलाह दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि जो पेशेंट ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं वो स्टीरॉयड को अवॉइड करें जहां तक हो सके, पेन किलर्स को अवॉइड करें जिसमें ब्रूफेन है, कॉम्बी फ्लेम की दवाइयां कई बार ऐसे मिल जाती हैं बिना डॉक्टर के पास जाए भी केमिस्ट दे देते हैं, वो वाले पेन किलर ना खाएं, उससे बीपी बढ़ जाएगा, कॉफी ज्यादा ना पिए, और अगर ड्रग्स का भी इस्तेमाल ना करें, कोकेन खास करके ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा देती है, तो इन सब से दूर रहें ताकि आपकी जो दवाइयां आप खा रहे हो वो अच्छा काम करें और आपकी दवाइयां बढ़े ना। नेक्स्ट, सो सबसे इंपॉर्टेंट, जब मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आता है ब्लड प्रेशर का, पहले तो मैं उसका जो है वेट रिडक्शन करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन, क्योंकि अगर हम वेट मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा 5 से लेके 8 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर है जो वो कम हो जाएगा। सो वेट रिडक्शन के लिए हमें क्या करना है, लाइफस्टाइल एंड डाइट, दैट मींस एक्सरसाइज, वो बीच में ही कवर करूंगा उसको। सो वेट रिडक्शन, आप अपना बॉडी का जो वेट है हाइट के हिसाब से उसको मेंटेन करें। सेकेंड है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट जो आप खाने की आदत है अगर, या ज्यादातर आप कोई ज्यादा सॉस अचार वो जब डाइट में ज्यादा सॉल्ट लेते हैं उसको भी आप कंट्रोल करें और ज्यादा सॉल्ट को डालें। कितना सॉल्ट लेना है, टोटल मिला के 2.4 ग्राम्स लेना है सोडियम क्लोराइड पूरे दिन, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एडिड सॉल्ट ना लें। डैश डाइट, डैश डाइट क्या है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसका मतलब है, उसके मैं आऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अल्कोहल अगर आप ज्यादा पी रहे हैं और आपका बीपी ज्यादा है, ज्यादा अल्कोहल कितना है उसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो अल्कोहल जो है वो हम एज ए डॉक्टर देख रहे हैं कि अल्कोहल अब पानी हो गया एक्चुअली इंडिया में और पूरे दुनिया में, लोग पानी की तरह इसको पीते हैं आजकल, तो अल्कोहल के बिना कोई पार्टी भी नहीं होती और अल्कोहल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है, रादर कोरोना में भी मॉर्टेलिटी का कारण ओवर अल्कोहलिज्म ही पाया गया है। और एक्सरसाइज कितनी करें उसके बारे में बताता हूँ, आपके यहाँ जो CRPF में तो आई थिंक एक्सरसाइज एक रूटीन होगी, बहुत लोग एक्सरसाइज करते ही होंगे बिकॉज आई थिंक ये पार्ट ऑफ द आपका प्रोटोकॉल ही होगा, तो एक्सरसाइज के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, वो आप मुझे शायद ज़्यादा बता दें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक मैनेजमेंट है, जो कि ये हमारे और आपके वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, इवन डॉक्टर्स को भी बहुत स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, सो पहले हम आएंगे डाइट पे, तो इस पे ज्यादातर जो डैश डाइट है उसमें यही है कि आप ज्यादा
रिच जो सैचुरेटेड फैट है जिसमें कि रेड मीट है, नॉन वेजिटेरियन रेड मीट, उसको कम करें अगर आपको ब्लड प्रेशर है। वैसे भी उसको आफ्टर 45 कम कर देना चाहिए, बिकॉज रेड मीट जो होता है वो हार्ट की बीमारी को और कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, डायबिटीज भी कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ चिकन वो भी स्किनलेस खा सकते हैं, वो भी सर्टन अमाउंट ऑफ चिकन इज ओनली अलाउड, फिश खा सकते हैं, बीफ पोर्क मटन ये बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता अगर आपने अपना हार्ट डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, बिकॉज हमने सारा कुछ खाने का ठेका नहीं ले रखा है, हमको यही देखना है कि हम क्या चीज़ खाएं, क्योंकि बॉडी हमारी अपनी है किसी और की नहीं है, तो उसको हमें क्या फीड करें ताकि वो ठीक रहे। क्योंकि जब मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत बीमार होकर आते हैं फिर वो कहते हैं हमने करना था ये हमने करना था, बट दे कैन नॉट गो बैक, आप टाइम में वापस नहीं जा सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स, आजकल बहुत बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, और इसकी अगर ड्यूरेशन लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो एनर्जी ड्रिंक भी है जो आपका बीपी बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन की मात्रा बहुत होती है, तो कैफीन जो होती है वो बीपी बढ़ाती है। सो एनर्जी ड्रिंक्स को भी आप बहुत ज़्यादा ना पिए, कभी कभार हो गई पी सकते हैं, वो भी आई थिंक मैं यंग लोगों को ही ज़्यादा बोलूंगा जो फिजिकली एक्टिव है, जो बिल्कुल ऑलरेडी ओवरवेट है उनको बिल्कुल भी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप कोशिश करें कि ज़्यादा नींबू पानी और ये सब ही पिए, क्योंकि जो भी ये कोका कोला वगैरह बाकी हैं वो भी ऑलरेडी डैमेजिंग है, उसमें भी कैफीन है। एल्कोहल, एल्कोहल के जो रिकमेंडेड एल्कोहल है एज ए डॉक्टर वो तो वही है कि दो ड्रिंक से ज़्यादा आपको नहीं पीने मेल्स में, और लेस वन या लेस देन वन जो फीमेल की, फीमेल की में वैसे मैं तो उसमें खिलाफ ही हूँ उसके, लेकिन फिर भी अब जमाना है वुमन एम्पावरमेंट का तो मैं ओपनली ऐसे नहीं बोल सकता, बट वैसे वुमन को एल्कोहल ज़्यादा डैमेज करता है ये पूरी स्टडीज़ में आ चुका है, उनकी इम्यूनिटी को भी जल्दी डाउन करेगा, और इवन ब्रेस्ट कैंसर का जो लेटेस्ट रिस्क फैक्टर है वो है इंक्रीज एल्कोहल इनटेक ऑन द वुमन, वो भी उसको ब्रेस्ट कैंसर भी उसको ज़्यादा हो रहा है। सो एल्कोहल आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर वुमन, क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन जो होता है पेट में हाइड्रोजिनेस एक हार्मोन होता है, वो उनके अंदर एल्कोहलिक डिलीवरी नहीं होता है और कम होता है, तो वो एल्कोहल को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाते हैं और वो सारा का सारा ओवरडोज में उनको डैमेज करता है। और मेल्स में भी अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो एल्कोहल इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपका बीपी बढ़ाएगा, यूरिक एसिड बढ़ाएगा और अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा, तो आपको सारे रिस्क फैक्टर्स शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फैटी और जंक फूड्स, ये मोस्टली यंग बच्चे जो हैं इसमें जा रहे हैं और उनका वजन बढ़ रहा है इससे, क्योंकि हाई कैलोरी फूड है, और मेरे पास जितने भी बच्चे यंग 20 साल वाले भी ब्लड प्रेशर के आ रहे हैं मैक्सिमम उनमें मोटापा ही रिस्क फैक्टर देखा गया है, और उनके पेरेंट्स यही कहते हैं कि ये बाहर का ही खाना खाते हैं घर में खाना नहीं खाते। आई थिंक ये उनको शुरू से ट्रेनिंग ही नहीं दी गई घर का खाना खाने के लिए, और उसमें चले और ये नेक्स्ट अरे क्या। और दूसरा जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैसेज इसमें देना चाहता हूँ, बीट रूट कंजम्पशन, ये मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ और उनमें बहुत फर्क पड़ता है। बीट रूट कंजम्पशन की एक स्टडीज बहुत हो गई है पूरी दुनिया में, अब 3-4 स्टडीज हो गई हैं काफी बड़े लेवल पे, अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, इंडिया में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में भी छप चुकी है, जहाँ पे कि उन्होंने देखा कि जो बीट रूट है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, अगर रोज आप चुकंदर का जूस पिए एक चुकंदर का, या एक चुकंदर वैसे खा लें, तो आपका बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि आपका ब्लड प्रेशर जो धमनियां हैं उसका प्रेशर रिलीज कर देती हैं। तो ये एक अगर कोई आदत डाल लें हम, और इसका ओवर डोज कोई नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो भी खा सकते हैं, पी सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये हार्ट की बीमारी को भी कम करता है, आपके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट लेवल इतने ज्यादा बढ़ा देता है कि आप छोटी मोटी जो बीमारियों से वायरल फीवर से भी इससे फाइट कर सकते हैं। सो बीट रूट कंजम्पशन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड प्रेशर के लिए मैं पेशेंट को डाइट बताता हूँ तो स्पेसिफिक मैं एक हेडिंग में लिखता हूँ कि आप बीट रूट चुकंदर जो है वो खाइए, चुकंदर बड़ी इजीली अवेलेबल है और कोई इतना महंगा भी नहीं है, तो ये खाना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, बाकी जो मैंने डैश डाइट आपको बताई थी उसमें होल ग्रेन्स खाइए, फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, 300 ग्राम फ्रूट रोज खाएं, 300 ग्राम फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल्स का खाएं, तो आपको एक तो मोटापा भी नहीं होगा, आपको डायबिटीज भी होने का खतरा कम हो जाएगा। नट्स, जो आदमी नट्स रोज खाते हैं
उनको भी देखा गया, स्टडीज छपी हैं NEJM बड़े अच्छे जर्नल्स में, और इसकी बड़ी एक एविडेंस है कि नट्स, ए हैंडफुल ऑफ नट्स कैन प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, द ऑनसेट ऑफ ब्लड प्रेशर, एंड इवन जो नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स खाने से हमें मोटापा भी नहीं आता है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें पहले से ही अपनी फैमिली में, और अपनी ये फैमिली से शुरू होता है, डॉक्टर्स नहीं इसको गाइड कर सकते, डॉक्टर आपको गाइड करेंगे बट डॉक्टर आपके घर थोड़ा जाएंगे। सो आपको अगर ये सब धीरे धीरे अपने बच्चों में अभी से आदत डालें, बिकॉज प्राइमरी प्रिवेंशन जो होती है वो फैमिली से शुरू होती है, वहाँ से ही अगर हम इसको आदत डालेंगे तो एक हेल्दी इंडिया और हेल्दी जो वर्ल्ड है वो बन सकता है। सो आई थिंक डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये डाइटरी जो अप्रोच है ये ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि जितनी भी अगर रिलेटेड डिजीज उनको ठीक कर सकता है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल को सेडेंटरी मत रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। होता क्या है कि लेडीज खास करके सेडेंटरी ज्यादा रहती हैं, वो सोचती हैं घर का काम हो गया तो बस ये हो गया, तो उनको घर का काम के साथ साथ थोड़ा बहुत योगा और लाइफस्टाइल जो है उन्हें एक्टिव रखना चाहिए। 30-35 मिनट की वॉक हफ्ते में 5 दिन पक्का करनी चाहिए, और अगर ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आफ्टर 40 ईयर्स उनको जो है वेट गेन शुरू हो जाता है, जिससे उनको आगे जाके बीमारियां लग जाती हैं। और फिर ये मेल्स में भी होता है, जैसे आई थिंक जो आपके जो यंग ऑफिसर्स हैं वो तो बहुत सेडेंटरी रहते होंगे, तो जैसे जैसे आई थिंक हमारी एज बढ़ती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो जाती हैं, हमारा जो आई थिंक पैटर्न है या जॉब का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, तो सेडेंटरीनेस आ जाती है, वो उसको आई थिंक वी शुड मेंटेन टिल 60 ईयर्स, बिकॉज जहाँ तक जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे के जो 15 साल हैं वो बढ़िया निकल जाएंगे। 75 साल के बाद जो है वो बोनस एज है, आई फील कि वो कई लकी लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे उसके बाद भी रहते हैं, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज, जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड बताई थी ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि अमर कोई इंसान नहीं है और उसको बीमारी हमें कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। स्लीपिंग पैटर्न, अगर कोशिश करें मैक्सिमम कि आप अपनी स्लीप पैटर्न को मेंटेन रखें, पर क्योंकि जैसे ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं, आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको रात की भी ड्यूटी करनी है, मैं भी एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे अभी भी रात को 2 बजे कॉल आ जाती है और महीने में मुझे 2-3 बार अभी भी जाना पड़ता है, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, फिर भी जब पेशेंट सीरियस होगा तो मैं खुद ही जाता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है कि जब पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो उसको एक सीनियर डॉक्टर देखे ताकि उसको बचाया जा सके, उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। नॉर्मल पेशेंट का तो नॉर्मल छोटे जो जूनियर डॉक्टर्स भी इलाज अच्छा कर सकते हैं। सो इसलिए स्लीपिंग पैटर्न को जितना हो सके मेंटेन करें। इसी में मैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे ख्याल में जो फोर्सेस का जो मेन रहता है, बिकॉज आई थिंक दे डोंट गेट लीव, बिकॉज वो लीव में अपना वो स्लीप पैटर्न को ठीक रखें ताकि जितना हो सके वो आप अपनी स्लीप को मेंटेन करें और ड्यूटी चेंज करते रहें। दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वॉन्ट टू गिव, बिकॉज हमने सब लोगों को हेल्दी रखना है। स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट भी है और एक बहुत चैलेंज भी है और आर्ट भी है कि हम स्ट्रेस को डील कैसे करें। तो उसके लिए ही मैंने जो आपको बताया था स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ, वो स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई है। आपके पक्का फ्रेंड्स होने चाहिए, खास करके जब आप फैमिली से दूर हैं, 2 या 3 फ्रेंड्स तो पक्का ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ लाइक ए रॉक खड़े रहें, क्योंकि उससे आप अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस है उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, और हो सकता है बात छोटी ही हो और आपने दिल खोल लिया तो फिर आपको वो प्रॉब्लम कम लगने लग पड़ेगी, या हो सकता है सुझाव ही ऐसा मिल जाए और आप अपने मन में ऐसे ही सोचते रहें। सो ओपन अप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस को अगर स्ट्रेसफुल है तो आप अपने फ्रेंड से मित्र से बात करिए, अपने जूनियर से भी कर सकते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर से भी कर सकते हैं। आप कई बार वैसे डरते रहते हैं और अपने ऑफिसर से बात ही नहीं करते, क्या पता वो पहले ही आपको अच्छी तरह से डील करे और आपकी प्रॉब्लम को समझे और सॉल्व कर दे, क्योंकि वी आर ऑल डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, हम लोग सारे ह्यूमन बींग को डील कर रहे हैं। सो दूसरे ह्यूमन बींग को भी उतना ही सेंसिटिव रहना चाहिए कि वो एक ह्यूमन बींग उसके पास आया मदद करने के लिए और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस अगर उसको हम डील कर लें प्रॉपरली, आपने देखा होगा कि वो इतने अच्छे एक हीरो यंग थे जो जिनकी डेथ हो गई, मुझे अचानक याद नहीं आ रहा, उन्होंने स्ट्रेस अपना डील ही नहीं किया और वो ही वॉज सच ए गुड हीरो एंड वी लॉस्ट हिम 3 years back आई थिंक। और भी काफी ऐसे स्ट्रेस में आप देखते सुनते रहते हो, सुशांत, बहुत ही
मेधावी जो है हीरो हमने वी लॉस्ट हिम ओनली क्योंकि उसने स्ट्रेस को डील नहीं किया. हालांकि वह सो इम्पॉर्टेंट उसने ऐसी पिक्चरें बनाई जिसमें कि स्ट्रेस को डील किया. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ओपन अप करो. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाइफ में कभी ये ना सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, मेरे से ये हो गया, कुछ भी हो जाए, लाइफ तो एक ही बार मिलनी है. और जो हम सोचते हैं ना कि ये कैसा मेरे को होगा, मेरा सोशल मीडिया पे ऐसा हो जाएगा, ये सब दुनिया का बनाया हुआ खेल है. इसमें बिल्कुल चिंता ना करो. आपकी लाइफ अपनी है, कुछ भी नहीं होगा. जेल में भी जाना पड़ गया तो भी टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम स्ट्रेस ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं और ये देखते नहीं कि हर चीज का एक सोल्यूशन है. और वक्त जो है वो सबसे बड़ा हीलिंग है. तो स्ट्रेस का इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम फियरलेस ही रहना चाहिए. और जब हम फियरलेस रहते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है. सो मैं तो एज ए डॉक्टर स्ट्रेस को ऐसे डील करता हूँ और मैं बताऊंगा आगे कि कैसे डील करता हूँ. हाउ आई कंट्रोल माई स्ट्रेस. फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है. उसके बाद लाइफ पार्टनर. लाइफ पार्टनर जो है, अगर आपका और कोई सुन नहीं रहा तो आप अपनी लाइफ पार्टनर से, हस्बैंड जो है वो बीवी से बात करें, बीवी जो है वो हस्बैंड से बात करें. सो लाइफ पार्टनर का अच्छा मिलना भी इम्पॉर्टेंट है. हाँ, यू आर राइट कि भाई इसमें सारे कई बार लाइफ पार्टनर दूसरा इतना समझदार नहीं होता है, तो फिर इसीलिए फ्रेंड्स की जरूरत है. कई बार उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो आपको गाइड कर सके, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स की मदद पड़ेगी. तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओपन अप करिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, ताकि वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उसी से ही ब्लड प्रेशर होता है. और हाउ यू रिएक्ट टू दैट स्ट्रेस, एंड उस ड्यूरिंग उस स्ट्रेस में आपको एंगर भी आएगा. और एंगर में ही आप, अखबारों में मैं पढ़ता हूँ कि BSF वाले जवान ने उसको गोली चला दी, CISF ने चला दी और 3-4 अपने बंदे ही उड़ा दिए. सो वो क्या हुआ है, वो एक पेंट अप स्ट्रेस है. तो आई थिंक उस स्टेज से पहुंचने से पहले ही हमें बात करनी है और उसको ही हमें डील करना है, ताकि हम उस स्ट्रेस को डिफ्यूज कर सकें इससे पहले कि वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचे और वो एक ब्लास्ट की तरह आए. स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. हाइपरटेंशन के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है. और सेकेंडली रिस्क फैक्टर है इसके लिए, हार्ट अटैक के लिए भी. स्लीपिंग पैटर्न में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया बात बतानी. जो लोगों को रात को खर्राटे ज्यादा आते हैं, जो मोटे हैं, उनको अगर रात को स्लीप ना आए, मान लो उनकी कोई नाइट ड्यूटी भी नहीं है लेकिन वो रात को सो नहीं पाते, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उस करके भी उनका BP बढ़ जाएगा. उसको भी ठीक करें ताकि BP ना बढ़े. नेक्स्ट. तो लाइफ स्टाइल में मैं यही सारा कुछ बताना चाहता हूँ. लाइफ स्टाइल चेंज करने से BP भी कंट्रोल होगा, ओबेसिटी मोटापा भी जाएगा, इंसुलिन भी आपकी अच्छी काम करेगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी प्रिवेंट भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है. अगर आप दवाइयां खा रहे हैं 3 और लाइफ स्टाइल आपने चेंज कर लिया तो दवाइयां 2 भी रह सकती हैं, 1 भी रह सकती है, हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो सकता है. नेक्स्ट. तो क्या क्या करने से, ब्लड प्रेशर अगर आपने वेट कंट्रोल कर लिया तो 3 से लेकर 20 मिलीमीटर तक आपका BP नॉर्मल हो जाएगा. दवाई छूट सकती है भाई. अगर आप डैश डाइट को फॉलो करते हैं जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, लो फैट, डेयरी आइटम ज्यादा नहीं लेते, सैचुरेटेड फैट को कम करते हैं, तो 8 से 14 मिलीमीटर तक ऊपर वाला BP ठीक हो सकता है. मतलब 150 वाला जो BP है वो 140 से नीचे आ जाएगा. डाइटरी रिड्यूस सोडियम तो 2 से 8 मिलीमीटर, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी 4 से 9 मिलीमीटर, अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया तो 2 से 4 मिलीमीटर. ये ऐसे नहीं लिखे हुए, ये लोगों ने स्टडी करके प्रूव किया है. तो आप पूरा हिसाब लगा लो कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन पे भी हम अपना BP की दवाई को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम दवाई हमें लेने की जरूरत नहीं है अगर हम इन सबको मैनेज कर लें. तो आई थिंक डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए और हमें पुश करना चाहिए पेशेंट को. मैं अपने पेशेंट को बहुत पुश करता हूँ वेट रिडक्शन डाइट अडॉप्ट डैश, ताकि वो मिनिमम दवाइयों पे आ जाए या दवाई छूट ही सकती है यंग हाइपरटेंशन की. नेक्स्ट. ये भी सेम दवाई, सेम स्लाइड है. नेक्स्ट. एयर पोल्यूशन ज्यादा, जहां ज्यादा होगी वहां भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सोशल मीडिया, ये एक नया रिस्क फैक्टर आ गया है स्ट्रेस के लिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं. ह्यूमन बींग की नेचर है, वो चाहता है मेरी तारीफ हो, मेरे को लोग पसंद करें. सोशल मीडिया एक नेगेटिव धार भी है, ये 2-धारी तलवार है. एक तरफ आपको वाह-वाह भी मिल सकती है और वहीं पे आपको कोई गालियां भी दे देगा और पूरे मीडिया में फैला देगा, तो आप उसके अंदर स्ट्रेस में आ जाओगे. तो ये जो मीडिया है ये सारा हमने, ह्यूमन ने क्रिएट किया है. आप सिर्फ जवाब दो भगवान को बस, और दुनिया की इतनी टेंशन ना लो. अगर आपको लोगों ने किसी ने स्ट्रेस दे ही दिया है
ये सारा कुछ भूल जाता है, क्योंकि मीडिया में आ जाएगा, 4 दिन बाद किसी को पता ही लगेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी चीज आ जाएगी। तो अगर आपको कोई ब्लैकमेल भी कर रहा है, ये सब कर रहा है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो आपने सिर्फ अपने आप को आंसर देना है और भगवान को, बस दैट इज ऑल। उसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि देयर इज नोबडी टू जज यू इफ यू आर ऑनेस्ट, नंबर वन। और अगर आप ऑनेस्ट हैं या सही काम कर रहे हैं, वो अपने आप धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें, अननेसेसरी उसमें या तो जाए ही ना। अगर आप स्ट्रांग माइंड नहीं है तो सोशल मीडिया स्ट्रांग माइंड के लिए ही बना हुआ है। अगर माइंड स्ट्रांग नहीं है, सोशल मीडिया से दूर रहें, वो मच बेटर है, क्योंकि वो भी एक बहुत, हमारे पास पेशेंट आते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें लोग अपने आप को कई बार खत्म भी कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना। फूड एडल्ट्रेशन अगेन इज अ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको कहा था कि अपनी सोल, जो सोल को हम फीड नहीं करते, क्योंकि सोल तक हम पहुंचते नहीं है, पूरी दुनिया में बाकी चीजों में लगे हुए हैं। सेंसेस जो होती हैं बॉडी की, वो कंट्रोल करती हैं बॉडी को। माइंड जो है वो सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो हम माइंड तक भी हम नहीं पहुंच पाते। जो माइंड को कंट्रोल करती है हमारी इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब हमारी नॉलेज कितनी है, हम कितने पढ़े लिखे हैं। और इंटेलेक्ट जो होती है वो सोल के अंडर होती है। सो सोल तक पहुंचने की कोशिश हमें करनी चाहिए। हर ह्यूमन बींग को वो ईजी जर्नी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं भी अभी कुछ सालों में ही अभी इस जर्नी में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्पज ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई करिए, लाइवलीहुड को लाइफ मत बनाइए। लाइवलीहुड क्या है? लाइवलीहुड वो नौकरी है जिससे हमें पैसे मिलते हैं ताकि हम घर बार चला सकें और बाकी कुछ कर सकें। लेकिन फिर भी आप अपना पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढिए, और उस पर्पज ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? हेल्प अदर्स, बी काइंड टू अदर्स। और पावर ऑफ कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कर्म से बिल्कुल चूकिए मत। अगर आप पावर ऑफ कर्मा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अगर वहां पे ऑनेस्टी से आपने काम कर दिया, बाकी काम तो आपका भगवान ने कर देना है। नेक्स्ट, दूसरा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो हैप्पीनेस की तरफ जाइए। हैप्पी आपको कोई नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपने आप को हैप्पी रखना है। फियरलेस होने की कोशिश करें। फियरलेसनेस सिर्फ ऑनेस्टी से आती है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, आपके अंदर फियर रहेगा, आप कभी फियरलेस पर्सन नहीं बन सकते। और जो बंदा फियरलेस है उसको वैसे ब्लड प्रेशर होता भी नहीं है। नो फियर ऑफ लूजिंग, डेथ, व्हाट अदर्स आर सेइंग टू यू, जस्ट फॉरगेट, लेट देम से। पॉजिटिव थिंकर बनिए, जो भी सिचुएशन आ जाए उसके अंदर पॉजिटिव थिंकर रहिए। एज ए डॉक्टर, मैं जब पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ, 40 ब्लड प्रेशर हो जाता है, चाहे 40 ब्लड प्रेशर मुझे पेशेंट मिलता है, पर मैं उसको भी पॉजिटिव थिंकर की तरह ही डील करता हूँ कि मुझे 40 से इसको बचाना है। तो अगर मैं पॉजिटिव एज ए लीडर होऊंगा तो ही मेरी टीम रिस्पॉन्ड करेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी लेवल पे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव थिंकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, बस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई थिंक नाउ वी आर ऑलरेडी एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। नेक्स्ट, रिजुविनेट द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, बस वो मेडिटेट लाफ हो गया। लास्ट स्लाइड, बिकॉज माई टाइम इज ओवर, इट्स अप टू 5:25। फोर पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं, फोर पिलर्स ऑफ हेल्थ, ये रिमेंबर रखिए। सही आहार, मतलब हम खा क्या रहे हैं, हमेशा सोचें। फूड वी ईट इज आहार। आचार, आचार मतलब द वे वी लीड अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहे हैं, हमारी आचार क्या है, क्या हमारा कितना डिसिप्लिन है। विहार मतलब हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स, हम लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने कुलीग्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको फॉरगिव कर रहे हैं, हम अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं कर रहे तो विहार हमारा खराब है। विचार मतलब हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, क्या हम स्पिरिचुअल हैं, क्या हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, जेलसी तो नहीं है हमारे अंदर। विचार, सो आहार, आचार, विहार और विचार, अगर इन चार को पकड़ लोगे तो हाइपरटेंशन तो क्या मेरे ख्याल में बहुत सालों तक कोई बीमारी नहीं होती। सो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। चूंकि अभी आपका प्रश्नोत्तरी का सेशन है, मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पे हमारे कीनोट स्पीकर के द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन एवं उनके व्याख्यान से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछें, ताकि आपके सवाल पे हम से उनका जवाब, उनकी राय ले सके। सो द सेशन इज ओपन फॉर ऑल द पर्सन थ्रू वेबएक्स, कोई भी सवाल किसी का भी हो कृपया पूछें। मिस्टर राज, मैं एक पूछना चाहती हूं डॉक्टर साहब से। मैम प्लीज अपना इंट्रोडक्शन और प्लेस थोड़ा बताएं। हां डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में डीआईजी हैं,
अभी स्टाफ ऑफिसर टू डीजी सर, और मेरा एज 48 इयर्स है. डॉक्टर साहब, लाइक आप ही आपने बोला कि हाइपरटेंशन भी हो सकता है कारण, और सर दर्द जो है, सर दर्द बहुत तरीके का होता है. लाइक जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तब भी मेरा कभी कभी हल्का सर दर्द होता है. और मेरे घर में मेरी भाभी है, उसको माइग्रेन बोलती है, लेकिन वो सुबह उठती है उसको बहुत ज्यादा सर दर्द होता है और वो वॉमिटिंग भी करती है. तो अभी आपने बोला कि हाई बीपी का भी एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन मैं जो समझ रही हूँ, तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये थोड़ा सा है ना टिप, कि उसको आप एक बार समझा सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो इससे बड़ा सिंपल है कि अगर आपका बीपी आप चेक करें, मान लो बीपी नॉर्मल है पेशेंट का, इसका मतलब है बीपी उसका कारण नहीं है, तो इसका मतलब है कारण माइग्रेन ही है. ओके, हाँ जी, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू. जैसे मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि अगर आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, आपने कोई कॉफी चाय नहीं पी हुई, आपने कोई सिगरेट नहीं पी हुई, आधा घंटा रेस्ट में अगर आपने 3 बार आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, मान लो एक पेशेंट है या बंदा है वो अभी भाग के आ रहा है बाहर से, और उसका आपने बीपी चेक कर लिया, वो तो ज्यादा ही होगा, या वो कोई आर्गुमेंट में है, या वो बहुत स्ट्रेस में है, या एंगर में है, तो उसका बीपी तब हाई होगा, तो उसको हम हाइपरटेंशन के क्वालिफाई नहीं करेंगे. अगर 3 बार उसके बाद भी रेस्टिंग में उसका बीपी ज्यादा है, तो देन ही क्वालिफाइज फॉर अप्रोच टू ट्रीट हाइपरटेंशन. तो उसमें अगर स्टेज 1 में होगा तो हम पहले दवाइयां ट्राई करेंगे 6 मंथ बिना दवाइयों के ट्राई करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सारा कुछ जो मैंने बताया था आपको. और अगर वो 6 मंथ्स के बाद भी उसका बीपी बढ़ रहा है या उसको वॉच करते रहेंगे, फिर उसको मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ेगी. सब आवाज आ रही क्या? एलर्जी में हाइपरटेंशन जो होती है वो तब होती है अगर ड्यूरिंग एलर्जी पेशेंट को बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाए, पूरे स्किन पे धब्बड़ पड़ जाए, तो उसकी एंग्जाइटी और उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा. जैसे आपको कोई एलर्जी होगी तो आपका नेचुरली हार्ट रेट बढ़ेगा, तो वो हार्ट रेट करके आपका ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली ऊपर जा सकता है ड्यूरिंग एलर्जी एपिसोड. वो जब एपिसोड खत्म हो गया, फिर आप फिर देखो बीपी क्या उसके बाद नॉर्मल हो गया, तो फिर इसका मतलब नहीं है. आप जैसे मैंने बताया कि वो भी एक एंजाइटी स्टेट है. नमस्कार सर, मैं जीसी पिंजौर से हूँ. सर, मेरा नाम रीना बालियान है. सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे अगर हाइपर टेंशन है तो मुझे कैसे पता चले कि मुझे हाइपर टेंशन है और मैं उसे कैसे क्योर कर सकती हूँ? जैसे मैंने अपने लेक्चर में भी बताया कि उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक होना, आपको वीकनेस, पेल्पिटेशन होनी. और अगर आपको लगता है कि आपको हाइपरटेंशन, आपको वैसे ही चेक करानी है, तो आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपके दोनों बाजू में एक बार चेक कर लेंगे. अगर आप अगर सिम्टम नहीं है, तो अगर सिम्टम है ये बार जो मैंने बताए हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए. तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली चेक करने के बाद ही पता लगेगा, तो चेक तो आपको कराना ही पड़ेगा, चाहे सिम्टम हो चाहे ना. तो आप इसको रेगुलर भी करा सकती हैं, जैसे एक बार अभी करा लिया नहीं है, 6 महीने बाद फिर करवाइए. और मैंने जैसे बताया, लेडीज के अंदर अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर है तो ज्यादा चांस है कि आपको बाद में भी हो सकता है, या आप ओवरवेट हो, या आपको डायबिटीज है, तो आपको बीपी होगा. और जब होगा तो जो मैंने बताया वो वैसे उसको फॉलो करना है, जो मैंने सारे लेक्चर में बता दिया है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुड इवनिंग सर, आई एम नीतू फ्रॉम सीआरपीएफ पिंजौर. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है तो क्या उसको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेंगी? अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा ही है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, और अगर वो ऑलमोस्ट 40 ईयर से ऊपर हो चुका है, अगर फैमिली हिस्ट्री भी है, तो लाइफ लॉन्ग ही खानी पड़ेगी दवाई. हाँ जी, अनलेस कि वो इतनी लाइफस्टाइल चेंज कर ले कि उसका बीपी नीचे आने लग पड़े. मान लो एक बंदा ओवरवेट है, उसने 20 किलो वजन निकाल दिया अपना, तो उसकी भी दवाई बंद भी हो सकती है. सर, क्या मेडिसिन लेने के बाद भी हाइपरटेंशन से अदर डिजीज हो सकती है? हाइपरटेंशन
यूजली अगर कंट्रोल ब्लड प्रेशर है तो आमतौर पे जो किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, वो नहीं होता है आमतौर पे, मतलब 90% वो रिस्क कम हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं GCCRPF पिंजौर से बोल रही हूँ। मेरा नाम चरणजीत कौर है। सर मेरा प्रश्न है कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए लोग तरह तरह के घरेलू नुस्खे बताते हैं, क्या वे नुस्खे कारगर हैं? जो मैंने आपको बताई है चीजें, सॉल्ट कम खाना, जैसे बीट रूट मैंने बताया ना, चुकंदर खंजाला खाने से कम, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें मैंने बताई है वेट रिडक्शन करना। बाकी जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं वो कोई मेरे ख्याल में ज्यादा लंबे काम नहीं करते, और ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये भी सारी एक तरह के नुस्खे ही हैं बिना दवाइयों के, जैसे कि वजन घटाना, जैसे कि सॉल्ट कम करना और एक्सरसाइज करनी, ये सारे भी तो नुस्खे ही हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जी, अब बताइए। योगा इन्वॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योगा मैंने बताया अपने लेक्चर में, जब मैंने बताया ना योगा एक्सरसाइज में योगा भी तो है, स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी योगा, यस उससे भी ये हम ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं और उसको properly treat भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर। हाँ जी, संतोष कुमारी GC पिंजौर से। सर ये बीपी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं पेशेंट को, उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं सर इसका, कोई नुकसान इससे? हर एक दवाई का 2-4% साइड इफेक्ट होता है, 2-4%, लेकिन वो डॉक्टर्स को पता होता है, और पेशेंट अगर उनको आके कंप्लेंट करते हैं कि भाई जैसे एमलोडिपिन दवाई है उससे कई बार कई पेशेंट को पैरों में सोजिश आ जाती है, जैसे कार्डेस दवाई है उससे कई लोगों को खांसी आ जाती है सूखी, तो वो डॉक्टर को आप बताएंगे तो डॉक्टर उसके बदले में दवाई चेंज कर देंगे। पर आज की डेट में एलोपैथी में ब्लड प्रेशर की बहुत ही उमदा दवाइयाँ हैं जो कि 25 साल तक भी दे सकते हैं और कोई भी उसका एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता है, बट डॉक्टर को पता होना चाहिए, आप डॉक्टर को बताओगे डॉक्टर आपको चेंज कर देगा दवाई। ओके सर, थैंक यू सर। कोई जानलेवा वाला साइड इफेक्ट नहीं है, ये पक्की बात है। और किसी स्टेशन से कोई सवाल? सर मेरा नाम अनिता है, मैं GC पिंजौर से बोल रही है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, कई लोग कई बार अक्सर बीपी ज्यादा हो जाते हैं, उनको लेटा के पानी पिलाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ेंगे सर? नहीं, अगर तो पेशेंट अनकॉन्शियस है, मान लो पेशेंट थोड़ा बेहोश हो गया, तो बिल्कुल भी उनको पानी ऐसे नहीं पिलाना चाहिए लिटा के, क्योंकि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके फेफड़े में चला जाएगा पानी, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो उससे एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पेशेंट को, बल्कि बिठा के रखना चाहिए। और अगर बीपी ज्यादा है, अगर घर पे कोई और दवाई नहीं पड़ी, कई बार सॉर्बिट्रेट की गोली होती है, वो भी बीपी को लो कर सकती है, क्योंकि वो हार्ट में भी काम करती है, तो गोली खिलानी चाहिए। पानी अगर तभी पिलाना है अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अगर होश में है तो, अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं पिलाना है। वेलेक से जुड़े हुए और जो स्टेशंस हैं या जो भी CEC मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई सवाल हो तो पूछें। सर मेरे पास एक दो सवाल आ रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा। हाँ जी, हाई बीपी के कोई पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि रेगुलर मेडिकेशन पे रहना होता है, तो अगर किसी पेशेंट का वो मेडिकेशन एक या दो दिन कभी बीच में गैप हो, कोई भूल गया, मिस कर गया, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि आपका कोई फायदा नहीं हुआ या ऐसा कोई असर नहीं हुआ, तो इज इट सो कि या आपको डोज बढ़ा के दोबारा लेना लेने की आवश्यकता होगी उसको, ऐसे पेशेंट को? ये बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा प्रैक्टिकल आपने क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज ये ऐसे काफी पेशेंट्स के हो जाता है, कई बार उनको दवाई नहीं मिलती, कई बार वो कहीं बाहर होते हैं तो उनकी दवाई मिस हो जाती है। सो अगर तो 24 या 36 घंटे तक मिस हो जाए तो कई पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ता है, तो उनको ऐसे लगता है कि मेरे को तो बीपी की दवाई की जरूरत ही नहीं है भाई, बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि जो दवाइयाँ हम खाते हैं उनका हाफ लाइफ होता है बॉडी के अंदर, तो 4 हाफ लाइफ में वो दवाई रहती है, जब 4 हाफ लाइफ खत्म हो जाते हैं तो दवाई का असर जीरो हो जाता है। तो वो आम तौर पे जो आजकल दवाइयां आ रही हैं उनका लॉन्ग हाफ लाइफ है, जैसे 12 से 24 घंटे हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब वो दवाई अगली डोज तक भी रहेगी आपकी बॉडी में,
तो अगर तो एक या दो दिन तक मिस है और आपकी दवाई ऐसी है कि लॉन्ग हाफ लाइफ है, तो कोई दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, जब उसके बाद शुरू कर दो आप, और डबल डोज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई हमारे पास पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि एक भी डोज मिस कर जाए तो अगले दिन ही बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट तो कोशिश यही करें कि वो दवाई मिस ना करें। राइट सर। हाँ, अगर ठीक है ब्लड प्रेशर तो ओवरडोज मत लें, अगले दिन दो दवाइयां ना लें, दो गोलियां ना लें, वापस से शुरू कर दें जो रूटीन है आपकी। सर आपने कहा कि एलोपैथिक में आज के डेट में हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत सारी दवाइयां हैं जो काफी इफेक्टिव हैं और अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर पेशेंट्स ले रहे हैं। सर आज के डेट में जब से कोविड के बाद हमारे आयुर्वेद के प्रति भी लोगों का बहुत आकर्षण हुआ है और कई तरह की बीपी की दवाइयां, जैसे किसी कंपनी का नाम नहीं लिए बिना मैं कहूंगा, जैसे मुक्ता वटी या कुछ बोलते हैं, हाउ इफेक्टिव इज दैट सर इन कंपैरिजन टू एलोपैथिक मेडिसिन? मेरे पास, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और काफी पेशेंट कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब मुक्ता वटी ले रहे हैं, तो मुक्ता वटी से मैंने देखा है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल होता है कई पेशेंट्स का, पर कई पेशेंट्स का मैंने ये भी देखा है कि कई बार उनका ज्यादा लो हो जाता है, क्योंकि मुक्तावटी जो गोली है उसके कोई लंबी स्टडीज नहीं है, ट्रायल्स नहीं है कि भी 6,000 पेशेंट में कोई स्टडी करी हो, उन्होंने क्या किया कि 100 पेशेंट में एक स्टडी कर ली, तो एफिकेसी है बट उसका प्रॉपर वो नहीं है कि फॉलो अप स्टडी पब्लिश नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, और आपका अगर मैं सिंगल जवाब में आंसर देना चाहूं तो मुक्तावटी कई पेशेंट में इफेक्टिव है, उसका आंसर यस है, लेकिन कई पेशेंट में ज्यादा लो कर देती है, उनको चक्कर आते हैं, फिर हमें कई बार उसको कहना पड़ता है कि देखो यार उसके अंदर कितना मिलीग्राम है ये हमें पता नहीं है। सो हमारी दवाइयों के अंदर थोड़ा सा ये है कि पता है कि ये 5 मिलीग्राम है, ये 2.5 है, इसका कम्बिनेशन है, और ये इसके पब्लिश साइड इफेक्ट्स हैं, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की लैकिंग है। मैं तो खुद भारत का रहने वाला हूँ और मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक में और रिसर्च होनी चाहिए प्रॉपर साइंटिफिकली, ताकि हम वर्ल्ड को डोमिनेट करें। आई मीन टू से हमारे आयुर्वेदिक ड्रग पूरी दुनिया में जाने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर वे से चलना पड़ेगा, दैट इज वेयर हम लोग लैक कर रहे हैं। Because sometimes they claim that the medicines are the research based and evidence based. That's why ये सवाल आ सकते हैं कभी, क्या really ये research और evidence based होते हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ ना, क्योंकि आज की डेट में मेडिको लीगल आस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, तो अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, एक बंदे ने बना के उसको प्रमोट कर दिया और उसका कोई मतलब पब्लिश एविडेंस होना चाहिए, बिकॉज हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसका मिनिमम ट्रायल 5,000 लोगों का होना चाहिए, तभी तो पॉपुलेशन ऑफ मिलियंस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, 100 पेशेंट की स्टडी के ऊपर मिलियंस में कैसे डाल सकते हैं भाई। थैंक यू सर। और कोई सवाल अगर किसी स्टेशन का हो तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एनी स्टेशन एनी पर्सन कनेक्टेड विद वेबएक्स कैन आस्क। और अभी अगर किसी के सवाल नहीं है तो वेबएक्स से जुड़े हुए या इवन हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या फेसबुक चैनल लाइव को देख रहे हैं, जो भी हमारे सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजन के लिए, अगर कोई सवाल आपके कोई ऐसे हैं जो लगता है कि आपके अधूरे रह गए हैं या पूछ नहीं पाए हैं या आपकी ऐसी कोई आकांक्षा है, तो आप हमें कावा के मेल आईडी पे अपने सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं, ताकि हम डॉक्टर साहब से आगे उनसे आपके सवाल के ऊपर उनका जवाब या उनकी राय लेके हम आपको सूचना सूचित भी कर सकते हैं। सो अब प्रोग्राम के लास्ट में, चूंकि डॉक्टर साहब का संबोधन हमारा समाप्त होता है यहाँ पे, मैं अनुरोध करना चाहूंगा ग्रुप केंद्र पिंजौर में मौजूद और श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री रामकृष्ण कमांडेंट ग्रुप सेंटर पिंजौर से कि वे प्रेसिडेंट कावा की तरफ से आज के मुख्य व्याख्याता को कावा की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। थैंक यू मैम। चूंकि आज का जो विषय था हमारा हाइपरटेंशन, उसके ऊपर हमने आपको बताया भी कि हमारे भारत में स्थित जितने भी हमारे सेंटर्स से जो फैमिली स्टेशन है, वहां भी इस तरह के कार्यक्रम जो वहां के संबंधित जो चिकित्सक हैं या जो इसके विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कराया गया था। एक्चुअली जो हमने शुरू में प्रस्तुति दी थी, जिसमें कि जिन जिन सेंटरों पे यह प्रोग्राम इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था उसके बारे में हमने बताया भी था
लेकिन प्रसारण के दौरान इसमें कुछ त्रुटिवश इसका रिले नहीं हो पाया, तो मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार पुनः जहां जहां पे हमारे इंडिया में रीजनल कमांड सेंटर पे ये प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं कृपया एक बार पुनः उसको दिखाएं प्लीज। ग्रुप सेंटर प्रयागराज, ग्रुप सेंटर बेंगलुरु, ग्रुप सेंटर न्यू दिल्ली, ग्रुप सेंटर जालंधर, ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, ग्रुप सेंटर नीमच, ग्रुप सेंटर नागपुर, ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा, ग्रुप सेंटर संबलपुर, ग्रुप सेंटर मोकामा घाट, ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, ग्रुप सेंटर श्रीनगर, ग्रुप सेंटर सोनीपत, आरटीसी पेरिंगोम, थर्ड सिग्नल बटालियन कोलकाता, 83 बटालियन आरएएफ जयपुर, 104 बटालियन आरएएफ अलीगढ़, 100 बटालियन आरएएफ अहमदाबाद, 107 बटालियन आरएएफ भोपाल, 108 बटालियन आरएएफ मेरठ, 99 बटालियन आरएएफ सिकंदराबाद, 101 बटालियन आरएएफ पापामाऊ, 202 बटालियन कोबरा। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे वेदक से माध्यम से हमारे जो भी सीसी मेंबर्स हमारे रीजनल कवायद जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहूंगा कि सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था कावा द्वारा वार्षिक पत्रिका सानिध्य कवर्ष 2022 के अंक का विमोचन मुख्य अतिथि श्रीमती सोनल शाह, पत्नी श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में रंगारंग कार्यक्रम के बीच किया गया था। आप सभी के सम्मुख उस कार्यक्रम की एक झलक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत है। थैंक यू। उक्त पत्रिका का वितरण हमारे सेक्टर कार्यालयों के द्वारा को किया जा रहा है और अभी भी कुछ सेक्टर्स के द्वारा पत्रिका यहां से कलेक्ट नहीं की गई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस फोरम से जुड़े हुए जो भी सेक्टर हेड्स हैं कि कृपया जिन सेक्टर्स के मैगजीन्स अभी तक हमारे हेडक्वार्टर से कलेक्ट नहीं किए गए हैं, काइंडली वो इनको कलेक्ट करना सुनिश्चित करें और साथ ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन अपने अधीन जो भी आपके यूनिट्स हैं, ऑफिस हैं, उनको वितरण करना भी सुनिश्चित करें और जितने भी रीजनल कावा हेड्स जुड़े हुए हैं और जो भी बटालियंस जो इसको व्यू कर रहे होंगे उनसे भी आग्रह है कि जैसे ये पत्रिका आप तक पहुंचती है आप अपने इस लोकेशन पे, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने यूनिट में जो भी आपके चिन्हित स्थान है, चाहे वो रिक्रिएशन हॉल हो, ऑफिस में हो, इस ऑफिस में हो, वहां पे इस पत्रिका को रखें ताकि मैक्सिमम हमारे सीआरपीएफ कार्मिक एवं परिवार उस पत्रिका को देख सके और एक बार पुनः पत्रिका में जो भी हमारे कार्मिक उनके परिवार जनों के लेख जो इसमें पब्लिश हुए हैं उन सबको एक बार पुनः बधाई। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आप सबका बहुत
धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा इसको सफल बनाने हेतु पुनः आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह अध्यक्षा कावा, सभी कावा की जोनल हेड्स, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सभी सम्मानित सदस्याएं, अधिकारीगण, डॉक्टर अनुराग शर्मा, सभी रीजनल कावा हेड्स, फेसबुक एवं यूट्यूब के प्रसारण से देख रहे हैं तमाम सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष आभार सीआरपीएफ के टेक्निकल विंग को जिनके सहयोग से पूरे कार्यक्रम का प्रसारण सुचारू रूप से हो सका। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मैं इस कार्यक्रम के मेंटर श्री दलजीत सिंह चौधरी आईपीएस एडीजी जेएनके जोन तथा कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुनीता थॉट पत्नी श्री सुनील थॉट डीआईजी ग्रुप पिंजौर का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर अनुराग शर्मा डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा उक्त रक्तचाप सभी बीमारियों के जर विषय पर दी गई जानकारी हम समस्त सीआरपीएफ तथा कावा परिवार के बच्चों एवं महिलाओं के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। आज के कार्यक्रम के व्याख्याता द्वारा दी गई बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान करने के लिए इनका भी विशेष आभार एवं धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में कावा परिवार इस कोविड टाइम में आप सभी के स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता है। पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।